बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह से निकले नहीं हूँ घर से क्योंकि ठंड बहुत थी। अभी निकला हूँ, अभी हैदर सो गया था। मैं हैदर भाई की कॉल आई थी तो भाई बुला रहे हैं, कहते हैं आओ और से बात कुछ मुलाकात शायद देखते हैं आज क्या कहते हैं, जाके हैदर भाई से मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या न्यू अपडेट है, फिर इंशाल्लाह आपको आगे बताते हैं। तो ये हम पहुँच गए जी, ये हैदर भाई खड़े हुए हैं दुकान में। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। ये हमारे हैदर भाई हैं जनाब, और ये अजीम भाई, और वो पीछे हमारे उस्ताद हैं आसम उस्ताद। ये मौली साहब पहुंचे हैं जनाबे अली, 5 मिनट का क्या है कि 15-20 मिनट थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हैदर भाई ने मुझे बुलाया था आज स्पेशल कार करके, मैं एमरजेंसी में हूँ, मैं देखूँ क्या कहते हैं। जी हैदर भाई आप बताएं। मौली साहब आपने कहने जनाबे अली, सर कुछ खिलाने पिलाने का प्रोग्राम है तो बता दें। खिलाएंगे ना, आप क्यों नहीं खिलाएंगे? क्या खिलाना बताएंगे आप? खिलाएंगे, 3-4 दिन हो गए हम शादियाँ खा खा के बस। है ये बात हैदर भाई ने ठीक है, 3-4 दिन से तो क्या कुकर खा खा के, कुकर खा खा के तो भाई पटी हुई है हमारी, और पंजाबी भी बीच में से आ जाती है। तो आज हैदर भाई हमें क्या खिलाने वाले हैं? हैदर भाई जी जी आज आप कुर्बानी करें, मछली खिला दें चले आज जनाब। हाजिर पक्का, डन हो गया। चलो जी अब रात को हम जाते हैं, मछली पे मिलते हैं फिर। चलो हाँ, तो ये देखें जी हम आ चुके हैं भाई, रात को बहुत यहाँ पे फोग पड़ी है, और आज मछली की जगह हम खाने लगे हैं मूंगफली सर्दी में, क्योंकि दो लड़के थे वो शादी का कुछ ज़्यादा खा गए, इस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो इस वजह हमने मुनासिब नहीं समझा उनको छोड़ के हम मछली खाने जाएं इस सर्दी में, तो इस वजह से अभी हम आए मूंगफली खाने। ये है मूंगफली अवैध भाई की, बिल्कुल रोज लगी है और फ्रेश फ्रेश मूँगफली जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है रुझान के नाम से। ये हैदर भाई अभी आज हमें खिलाने लगे हैं जी। चलो सर, चलो अवैध भाई कोई अच्छी जी मूँगफली खिलाएं हैदर भाई के लिए। हैदर भाई देखे जी अवैध भाई बना रहे हैं, अवैध भाई ये कौन सी रुझान की है? दूसरी है रुझान की है जी, मशहूर थी मूँगफली। हैदर भाई इस सर्दी में हमें खिलाने वाले हैं मूँगफली कितने की? जो अवैध भाई दे दें जी खाने के लिए। 1000 में? नहीं 10 आनी बाल हो गए। चलें जी आप लेते हैं तस्वीर आगे। जीजी रोड पे भी हैदर भाई ले, हैदर भाई ले लिया मूँगफली ले आए जी, ये ताज़ी ताज़ी अवैध भाई ने निकाल दी। ठीक है अवैध भाई ओके जी, ये हैदर भाई ले आए जी, चेक करते हैं ताज़ी ताज़ी मूँगफली। क्यों हैदर भाई आप कहाँ पे बैठ के खाएंगे? आपके घर चौक में बैठ के खाएंगे ठंड में। देखें जी ठंड में हैदर भाई कह रहे हैं चौक में बैठ के खाएं, ये भी कोई बात नहीं यार। कुछ साथ होता है कोई, कहते हैं पंजाबी कहते हैं ना कि मूँगफली के साथ गुड़ ना हो तो मज़ा नहीं आता, वो साहब है गुड़ ले लेते हैं जी फिर जाके वापस। चलें जी फिर आके आप जाके हम आपको चौक में या हैदर भाई के घर में मिलते हैं। तो ये अब हम आ चुके हैं हैदर भाई के घर, तो ये हैदर भाई बैठे हुए हैं मूँगफली लें और अंदर पकौड़ों छोड़ों का ऑर्डर दें चाय शे का, पकौड़े समोसे सब कुछ अभी खाते हैं। अभी हम मूँगफली पे बिस्मिल्लाह पहले करें ना, सर्दी बहुत बोर है, तो हीटिंग हैदर भाई ने फुल ऑन की हुई है, अभी हम मूँगफली पे बिस्मिल्लाह कर लें फिर आगे पकौड़ों पे मिलते हैं। ये देखें जी हैदर भाई ले आए जी, वाह जी वाह। हैदर भाई क्या लाए हैं आज? ठंड है तो पकौड़े। वाह जी वाह, पकौड़े और कहवा लाए हैं मूँगफली को हम इधर साइड पे कर देते हैं,
ये जी मूंगफली आ गई साइड पे, पकौड़े आ गए जी, सर्दी सर्दी में गरम गरम, सर्दी में गरम गरम पकौड़े, ठंडी ठंडी सर्दी में गरम गरम पकौड़े। अदर भाई बहुत शुक्रिया आपका पकौड़ों के लिए। चिको ज़फ़रान का कबाब बनाया हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं घर। हैदर भाई का बहुत शुक्रिया जो आज उन्होंने मछली की जगह हमें मूँगफली पकौड़े खिलाए। मौलवी साहब मछली खिला देते हम आपको, लेकिन हमारे बंदे जो बीच में स्किप हो गए हैं ना, अपना इरादा था जनाब। ठीक है हैदर भाई, फिर इंशाल्लाह अभी जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। अब भाई सर्दी है, मैं घर जा रहा हूँ मेरा। ओके जी हैदर भाई, अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।